आपसे अनुरोध रहेगा माननीय विधायक साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करावे, स्वागत सत्कार करावे, इस्तकबाल करावे। महिला पुलिस थाना की ओर से सुमन मैम से मेरा निवेदन रहेगा, आप आगे पधारें और सत्कार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत ये तब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार का ये प्रयास रहा है कि किस प्रकार से पुलिस अपनी सेवाएं जनता तक और आसानी से और सुगमता से पहुंचा सके, किस प्रकार से जो पुलिस और जनता के बीच में कोई दूरी या खाई है उसको काटा जा सके, किस तरह से लोग निर्भीक रूप से आके थाने पे अपनी बात कह सकें और किस प्रकार से उनको संतुष्ट करके भेजा जाए, उसके लिए बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। उसमें एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उनका विजन था, ये उनकी सोच थी कि थाने पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोई ऐसी जगह मिल सके, कोई ऐसा स्थान मिल सके जहाँ पे वो आराम से बैठ सके, अपनी वेदना अपनी पीड़ा पुलिसकर्मियों को बता सके, जहाँ उसकी बात सुन ली जाए, आवश्यकता पड़े पानी पी ले, आवश्यकता पड़े तो रिपोर्ट लिख सके। उसी क्रम में राजस्थान के सभी थानों में प्रयास किया गया है कि एक स्वागत कक्ष बने। स्वागत कक्ष का बजट अलग से कहीं से नहीं आया, हमारे जनप्रतिनिधिगण और भामाशाहों ही दिया है। एमएलए का ये बाड़मेर का सौभाग्य है कि यहाँ पे एमएलए साहब जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना संकोच के यहाँ पर और कोतवाली में अपने कोष से राशि जारी करी और ये स्वागत कक्ष बन सका। बाड़मेर पुलिस की तरफ से, बाड़मेर पुलिस परिवार की तरफ से आपको हृदय से साधुवाद और धन्यवाद।